I trust this finds you well. My apologies for a rather abrupt question. Are you aware of a variation of Rasoolan Bai's Bhairvi Thumri, Lagat Karijwa Me Chot? I am told she had also recorded a slightly different version, Lagat Jubanwa Me Chot. It is apparently one of her earliest recordings. You might wonder why I am interested in searching for a forgotten Thumri. I myself am not sure, except that erasure sometimes holds keys to the forbidden. जिसमें आर लिखा होगा उसमें होना चाहिए. हम निकाल तो दे रहे हैं सब, मैं मिल नहीं रहा. टी मिला, एस मिला, ये आर मिला. ना भारी हो गया है सब. हम तो कहते हैं कि अब ये अलमारी भी हमारे लिए अब छोटी पड़ रही है. अब इसी में खोद दीजिए, इसमें रसूलन भाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा. मिस मुन्नी, मलका जांग अज आगरा, ये होना चाहिए. देखिए देखिए, ये रसूलन भाई बनारस. जब तक हमारे नाना जी थे तब तक यहाँ पर महफिलें होती थी, सुबह भी और शाम में. किसी किसी महीने में तो 8-8 10-10 दिन लगातार यहाँ महफिलें होती थी. गायिकाएँ ठुमरी के साथ तबले की संगत में गाती थीं और नृत्य भी करती थीं, भाव भी बताती थीं. उसको खड़ी महफिल कहते और बैठकी की महफिल. और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये महिलाओं के बैठने के लिए बना हुआ है चारों ओर. ये झिलमिली बनी हुई है कि इसमें से वो नीचे के लोगों को देख सकती हैं, नीचे वाले लोग महिलाओं का चेहरा नहीं देख सकते. ऐसा पर्दा नशीन उस समय का हिसाब था. मेरे पिताजी के समय में सिद्धेश्वरी बाई, काशी बाई और सूलन बाई और विद्याधरी बाई, इन लोगों को काफ़ी सम्मान प्राप्त था, जिसमें रसूलन बाई की गायकी सबसे अलग थी. उनके कहन में एक दर्द था, टीस थी. लोग उनसे भैरवी जरूर सुनते थे और लगत करेजवा में चोट तो उनका जैसे समझ लीजिए कि बस जैसा वो गा गई वैसा तो कई लोगों ने भी गाया, जोहराबाई ने भी गाया है. परंतु यदि आप उनकी उनकी तुलना करें तो आपको अनुभव होगा कि रसूलन भाई के कहन में कहीं ज़्यादा दर्द है और कसक है. रसोगी जी, ये लगत करिज्मा में चोट जी, ये हमने सुना है कि शायद इससे पहले जी ये इन्होंने इसका जो मुखड़ा था थोड़ा अलग था, बंदिश थोड़ी अलग थी, वो थी लगत जुबनवा में चोट. आपने क्या वो बंदिश सुनी?
ये तो बंदिश मैंने नहीं सुना है, परंतु जो मेरे पास है रिकॉर्ड्स में, वो तो करेजवा में ही चोट है, और फूल गेंदवा न मारो मैं का लगत करेजवा में चोट। ये मेरी नानी जी हैं जिन्होंने इस स्थल को भगवान का श्री मंदिर का स्वरूप दिया। उस समय मंदिर नहीं था, पूरा वहाँ तक महफिल का ही कमरा था। मंदिर बना है सन 1955 में। कारण ये था कि मेरी नानी जी को कोई एक ही पुत्री थी, तो उन्होंने ये सोचा कि हम भगवान का यहाँ मंदिर बना दें, ताकि आगे वंश हो न हो तब भी हम लोगों को अंतरिक्ष में कुछ पुण्य फल मिलता रहे। और मंदिर बनने के बाद फिर यहाँ पे तो कार्यक्रम होते रहे, लेकिन जिस तरह के पहले महफिल होती, हाँ वैसा बंद हो गया, इसलिए कि उसमें फिर एक पाबंदी सी आ गई, एक आप कहिए मर्यादा आ गई, कि हमको हर आने वाले से कहना पड़ा कि आप यहाँ कोई गंदगी ना करें, यहाँ मंदिर है। We had heard this Thumri together. You had asked, could this be Radha celebrating her divine love for Krishna? Or is it perhaps a mortal woman in the throes of a desperate passion? And I had recalled a remark made to me by Mushtari, a once-celebrated singer. Each man had to be made to feel that he was Krishna himself, and I, the love-struck gopi. An electric current passed between me and each man in the gathering. By turn romantic, passionate, seductive, pleading, and even angry. The verse repeats itself again and yet again, opening up a cosmos of the play of love. ये रसूलन भाई यहाँ वाराणसी में तो उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली और उनको कई पुरस्कार भी मिले। एक खूबसूरत औरत है कि जो वो जेवर पहने, गाना पहने, उसको खूबसूरत बना के
देखना चाहे तो ठुमरी वैसे ही चीज है कि ठुमरी को बना के गाएगा, रू भी अच्छी हो, सुरीला भी हो, लयदार भी हो, तो वो ठुमरी गा सकता। आपके घराने में आपके अलावा और भी क्या कोई लोग गाते थे? मेरी माँ, हमारी नानी बहुत अच्छा गाती थी। आपकी नानी का क्या नाम था? हमारी नानी का नाम था अदालत देवी, मेरी वालदा का बच्ची का नाम। और आपकी बहन भी तो गाती थी, मैंने सुना कि बहुत अच्छा गाती थी। हाँ, मेरी बड़ी बहन थी, बहुत अच्छा गाती थी, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी। उनका नाम क्या था? बतूलम दीदी। You feel it is only apt that I should seek a lost Thumri in Banaras or Varanasi, a city obsessed with memory. But may I add, it is also a city where music salons have been converted into temples and cobble lanes shatter into the glass and concrete of shopping arcades. Where do I search here for a forgotten song of desire? Where do I find its singer? The tawaif, the baiji, the notch girl, the courtesan. The tawaif is dead, I am told. She sings no more those beguiling melodies that made innocent men forget their way back home. She lies entombed in a great marble mausoleum, her songs frozen in time on discs, covered with dust-proof jackets. उनके बारे में हमारे उस्ताद जो है कुछ बताते थे ऐसे कि अगर गाओ तो उस तरीके से गाओ। आपने उनकी एक ठुमरी सुनी है, लग जाए करजवा में चोट, लगत करजवा में चोट। हाँ, सुनी तो है, सुने। अब पूरी बंदिश मुझे याद तो नहीं है, शायद भैरवी में है। इन्होंने एक और बंदिश गाई थी, लगत जुबनवा में चोट, कभी आपने वो बंदिश सुनी? नहीं, ये बंदिश सुनी। इसका कुछ फर्क हो गया फिर? इसका मतलब भी फर्क हो गया, लगत करिजवा में चोट, लगत जुबनवा में चोट। बात तो एक ही है मगर मतलब अलग अलग है। बात एक ही है, चोट तो एक ही जगह लग रही है मगर समझने का अंदाज अलग अलग है। अभी इसी चीज़ को जैसे हम अपने में जैसे गा रहे हों, लगत करिजवा में चोट, लगत जुबनवा में चोट,
तो अपने लोगों में गा रहे हैं तब तो वो लोग इसी बात को समझ रहे हैं कि एक ही जगह चोट लग रही है, करेजवा में चोट। मगर इसी को और कहीं हम लोग पेश करें या और कहीं गाएं, और कहीं का मतलब कि जिसे कहना तो नहीं चाहिए, जैसे बिहार के तरफ, तो वो लोग एकदम अलग अलग मतलब निकाल लेंगे। कोई फर्क नहीं है, अगर थोड़ा उसमें ये होता है कि भाई जो बनवा कुछ लोग गलत समझते हैं, जोबन का मतलब जवानी भी होती है, हाँ। ये नहीं, और लोग कुछ और ही समझते हैं, जोबन का मतलब उरूस भी होता है। अच्छा बाजी, आपने किससे तालीम हासिल किया? मेरे का नाम था उस्ताद शम्मू खाका। वो कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के। हमने सीखा था उस घराने से, शोरी मियाँ के घराने। और शम्मू खान साहब क्या गाते थे? वो सरंगी बजाते थे। हमारी उम्र उस वक्त 5-6 बरस की थी, तो उन्होंने हमको तालीम शुरू किया। मुझे इतना शौक था गाने का कि 24 घंटा गाना, हर वक्त गाना। जब तक मेरे उस्ताद जिंदा थे, जब तक मैं उनसे तालीम हासिल करता था। मेरे उस्ताद हैं चांद खान साहब, जैसे मैं सोई हुई थी तो उन्होंने जगाया है। गाना तो बीच में एकदम मैं छोड़ चुकी थी। अब्बा बोले कि बेटा तुम गाओ, तुम अगर सो जाओगी तो ठीक नहीं रहेगा, तुम गाओ। उसी समय मैं ऑडिशन वगैरह थी, मैं पहले रेडियो वगैरह में नहीं थी, तो मेरे गाने को बहुत सराहा गया था। विदेशियों के दिल में उतरी, सायरा बेगम की ठुमरी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे और मैं करती थी, मगर यही था कि बनारस के बाहर। ठीक है, गाना बजाने की बात तो अलग है, मगर मैं क्या बेच रही हूँ? अगर मुझे मालूम है तो ख़रीदार को भी मालूम होना चाहिए कि मैं क्या ख़रीद रहा हूँ। मेरे समझ में ऐसी बात नहीं आई कि ये लोग किसी बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, तो नहीं, जब हमारे समझ में आई वैसा लोगों से मिलना ही जुलना मेरा नहीं रहा। Thank you.
पमोरी नहीं आओ पर करोगे कब मोरी नहीं आओ पर करोगे कब मोरी नहीं आओ पर करोगे कब मोरी नहीं आओ पर आप को कब से जानते हैं? बहुत दिन से बचपनी है, तेज थी। अगर कोई बात आप सिखाइए एक घंटे में आने के लिए तो 5 मिनट में उसको याद करके सुना देती थी। तो सारे गामा आपने कराया और फिर उस्ताद सिकंदर खान साहब से बोले कि मैं इनसे शागिर्द कराता हूँ। बहुत सख्त थे, गाने के मामले में कोई मरवत नहीं। एक बार इसी तरीके से वो हमको एक राग बता रहे थे भीमपलासी, एक बार दो बार चार बार, बोले कि ऐसे तुमको नहीं आएगा। तो मैं बोली कैसे, कि अपने हाथ पे थूको अचाटो। मैं रोने लगी थी। ये तो मालिक की मेहरबानी है, कुछ इनकी वालदा इनके वालिद बड़ा शौक ख़ानदानी लोग हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हमारी लड़की अगर गाए तो बेहतर होगा, और गवाया। अल्लाह ने हर जगह इज्जत रखी, जहाँ जहाँ गए जहाँ जहाँ गए जहाँ जहाँ गए। हमारे ख़ानदान की आवाज़ कुछ है, दुआ है, दुआ है। बहुत नाम सुना होगा बाबा के नाराम का, उनकी दुआ है, दुआ है। आवाज पर क्या चाहिए, किन आवाज चाहिए, किन जा तेरे खानदान में आवाज ही है। हम अपनी माँ के जुबानी सुने थे कि मम्मी के दादी गाती थी सदाबहार कोयल। राजा बैठे हुए थे और राजकुमार भी आए, तो राजकुमार की शायद शादी थी या कुछ ऐसा फंक्शन था जो भी हो, तो वो गा रही थी और सारे लोग गाने में झूम रहे थे और किसी तरीके से कोबरा के राजकुमार के गोद में बैठ गए। जब लोगों ने देखा तो उस कोबरे को ऐसे लट अलग से लट उसके कोबरे और सर पे चांद बना हुआ था और ये खोपड़ी थी। बोले कि महाराज इनको कोई मारे नहीं। तो मेरी दादी के ऊपर लोगों ने तलवार तान दिया कि ऐसा है कि तुम्हारे गाने से ये सांप आया और तुम्हारे ही गाने से अगर नहीं गया सांप तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बोले कि ठीक है, फिर दादी गाने लगी। Thank you.
Many thanks for this. I have heard it so often in my dreams that it feels rather strange to hear it in flesh and blood. You have mentioned that this is the broadcast label record of 1935 and might be one of Rasoolan's earliest recordings, with a voice that is higher pitched. It is tempting to speculate whether the Jubanwa version is in fact the lost original form of the Thumri. You, however, remind me that an earlier singer like Zohrabai recorded the other, Karijwa version of the Thumri around 1909. Why did Rasoolan then choose to sing for one of her first recordings, a lesser-known Jubanwa version of the Thumri? She must have been around 33 in 1935, at the peak of her musical career. ये तो मान के चलते हैं कि रसूलन भाई बनारस घराने की गायकी है, लेकिन आपके पास तो म्यूज़िक है, आप देखिएगा कि जो उन्होंने कहा है वो कितना, उसमें डेप्थ कितनी है, अगर समझें। दूसरे एक बड़ी अजीब बात उनमें देखी हमने कि किसी स्वर पर आके रुकती नहीं थी, वहाँ से थोड़ा स्पिल कर जाती थी। ये मैंने किसी की और गायकी में नहीं देखा, और वो इतना सुंदर लगता था। और दूसरी बात यह है कि इसको आप उसे फिर चेक करिए, बहुत दिनों से हमने सुना नहीं है, कि जब वो ऊपर जाती थी तार सप्तक में तो थोड़ी सी उनकी आवाज़ क्रैक कर जाती थी, जैसे दूसरे ढंग से बेगम अख्तर के, वो तो बहुत मशहूर है इसके लिए, तो ये भी जो क्रैक करती थी बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन इसमें आप अगर नोटिस करें तो ये करिश्मा नहीं है, ते लगे जो बनवा में चोट, तो वो सब और ज्यादा उसमें मसाला डालते थे ना, जो कंपोजर से या जो ये सब उस्ताद थे, उस्ताद जी, और जो बनवा में चोट, अब जोबन का जो अर्थ है वो अलग है, वो हमारे लोग सामने कह नहीं सकते, समझा ना, वो यूथफुल नहीं है उसका मतलब। बार सैया फुल गिंदवायान मारो लगत कर जुवा में चो, उसको अब कलेजा जो है वो मतलब क्या कहें, वो है तो हृदय, लेकिन हृदय का मतलब यह है कि मस्तिष्क, सेंसिबिलिटीज में, और हृदय के ऊपर जो है वो जो बनवा है। My breasts are wounded. My young lover, do not throw these flowers at me. I imagine Rasoolan with practiced abandon, seducing, even as she complains of being seduced. Was the Thumri sexed up by Rasoolan, perhaps to put her own stamp on it, to make it irrevocably hers? You, however, feel that both the Jubanwa and the Karijwa versions of this particular Thumri had been circulating together for a long while.
The words of this song and of others being sung in different ways depending on the audience, the occasion, and the position of the singer. वैसे तो मैं हमेशा बनारस रहती हूँ, मेरे पैदाइश और मेरे ख़ानदान, मेरे परिवार हनुआ में रहते हैं। सात क्लास का एग्ज़ाम देकर और मैं आ गई थी यहाँ पर, करीब 14 बरस या 15 बरस की एज थी हमारी, और मुझे शौक़ तो था ही गाने का। मैं उस समय से फिर बनारस ही रहती हूँ। अफसोस से ही होता है हमको कि जितना मुझे सीखना चाहिए था हम नहीं सीख सकते, लाचारी थे। सबसे बड़े तो पैसे का ही प्रॉब्लम होता है। आपके तीनों बेटियों की शादी? हाँ, तीन तीन ही बेटी और एक ही लड़का। मंगनी हमारी सबसे छोटी बेटी है, उसकी हो रही है। ये आपका है, बिस्मिल्लाह करके इसको पकड़िए और पहले से आप लोगों को आना है वहाँ पर। 10 के बाद हम आ सकते हैं। कहाँ है? सीतारामपुर हम जाते हैं। कई दिन पे लौटा थो? तब वो 7-8 ले हम चल रहे। 7-8 ले? तो हम 10 तारीख के तू आ जा घरे। कहे कि बहन हमार तबीयत ठीक हो नहीं, समझा था आदमी, दौड़ा दौड़ा पैर एकदम कट जाता। आप सही कह रही थी, ये आते वक्त हमें कह रही थी कि जो हमारी बड़ी बहन है हमसे बड़ी नहीं, इनका रंग गुलाबी रंग तो लड़की अभी निकल के छोटे के घर में से जा रही थी तो कह रही हम चुपचाप बैठे हुए हैं गर्म से दरवाजे पर, तो बड़ी खूबसूरत है। हम कह रहे खूबसूरती कहाँ देखी तू, हमारी खूबसूरती कहाँ देखी, माल तो बिकची का खुंचा बाकी है। तो नहीं तो एक समय ये था कि इससे कहे सब कि तुम नहीं नहीं ये तुम्हारी बहन नहीं है, तो ये रोने लगती थी। तो आपका क्यों रो रही हो? तो मुझे दुख होता था कि मेरी बहन को लोग कह रहे हैं कि आपकी बहन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अभी तो सभा मेरा रंग खुल भी गया है। मैं पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा घर भर में सबसे छोटा पैर। तो लड़के कह रहे हैं घर के कि आपका पैर इतना नाजुक, अरे आप लोग तो डांस किए हुई हैं। और सही बात है कि 4-4, 5-5 घंटा हम डांस करते थे, क्लासिकल डांस, कथक, भांगड़ा, खंजड़ी, अरबी और बनारस का कहरवा, हम ही लोग को सिखवाए भी हुए हैं। और एक ज़माना था कि वहाँ भीड़ लगती थी मेरा गाना सुनने के लिए, लोग ऐसे सीढ़ी पर रोके रहते थे कि नहीं अभी गाना हो रहा है, और लोग लाइन लगाए रहते थे हमारा गाना सुनने के लिए। हम लोग का चौमुखी गाना बजाना था, जैसा लोग फरमाइश हुआ वैसा हम लोग गाते थे, ये नहीं कि कोई एक ही चीज़ को पकड़ के हम चले। हर गाना हम लोग राष्ट्रीय हुआ, गज़ल हुआ, दादरा हुआ, लोकगीत हुआ, फिल्मी हुआ। तो आप दोनों में से ज़्यादा पॉपुलर कौन थी? दोनों थी। नहीं दोनों आप सब सच बताइए। नहीं सच बता रहे हैं हम, हमारा अलग अलग क्षेत्र होता है ना, है इधर के क्षेत्र में हम बहुत पॉपुलर थे, बनारस में खुद हम पॉपुलर थे कि जो है शादी विवाह होता था और मोहम्मदनों का और बगीचे में प्रोग्राम होता था मड़वारी वगैरह का, तो पार्टी में इनसे ज़्यादा हम प्रोग्राम किए हुए हैं। पूरे बनारस में जितना प्रोग्राम हम किए हैं ये नहीं की है। आपका नाम ज्यादा था बनारस? और उसके बाद हम छोड़ दिए, ये रहने लगी तो इनका नाम बनारस में अच्छा हुआ पॉपुलर।
आपके तो इन्होंने निकाह कर दिया, तो आपको कभी संगीत का या किसी चीज़ का शौक नहीं था जैसे आप? हमको ये सब का शौक है। हमारी हकीकत को परिवार खानदान में इसके अलावा कोई नहीं जानता। मेरी बहन थी बड़ी, वो भी नहीं जानती। इनको सब कुछ मालूम, थोड़ा सा हम लोग करीब। ये सब बच्चे सब छोटे छोटे यही पाली हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को पाली पोसी, बड़े बड़े की हमारे समोर वही सिलाई, एक आदमी कमाने वाला, 10 को परिवार कैसे चलेगा, ये बहुत हमको संभाली है। Seeking a lost song, I have followed you very far from home. Each search, it is said, is a search at some level for oneself. As a woman of today, where do I find resonance in a song that was sung for the pleasure of male patrons? At this, you ask softly. Have you never played the game of love? A game where desire, that strange multi-hued creature, which so often trespasses boundaries, is the dice. Who is the lover here, and who the beloved? And which one of the two can step outside and view the game with dispassionate eyes? The roles are constantly exchanged, played at, and discarded. तरंगे हमारे नहीं हैं, हमारी ऑफिस में है ना। अच्छा ठीक है, तो इधर का साग है, तेरे साथ देर से हाथ लगता है। अब हम लोगों की चीज हमारी कहाँ रही भैया? हंसती रे है मंगते भैया, अब हम लोगों की चीज हमारी है? सब है? सब सरक गई, सब सरक गई, सरक गई। 40 साल से जरूरी होते तनाइयों में हंसले महफिल में मुस्कुरा रहे, ऐसे कुछ है महफिल में मुस्कुरा। ये किन की किताब? ये दया मौसी की किताब है। पहले के लोग जो है उर्दू पढ़वाते थे, इससे जबान टूटती थी। ये भी इसमें भी मेरी हैंडराइटिंग है बेटिया, ये भोजपुरी है। अच्छा भोजपुरी है, माशाल्लाह मौसी। कसात वगैरह भी हैं और भोजपुरी मैं खुद से बना के लिखती हूँ। पुरानी पुरानी ये है बस, हम जितने पुराने हैं। सही बात है, शायरी पुरानी नहीं होती बेटे। कसम तेरी मोहब्बत की, तू किसी को जीने नहीं दिया, जिसे एक बार डस लिया उसे पानी भी पीने नहीं दिया। मौसी को दिखाइए ना, मौसी को दिखाइए, बैठ गए गद्दी पर। उधर का घूम गए, इससे घूम के बैठा। पुराना प्रथा मत भूलल कर, हाँ तब जाए। हाँ मौसी तू भी सुना कुछ मौसा के नाम का। अरे तो उसी की याद में तो होता भाई, याद तो बहुत बड़ी चीज है। अरे मौसी याद है तो आबाद है, अब भूल गया तब ये बर्बाद है, या जिंदा रहे या मर गया। जिंदा है तो ठीक है, मर गया तो ठीक है, याद है तो जिंदा है, अब भूल गया तो जिंदा रहे कभी मरा है।
हाँ मौसी, मौसा का तो याद रखो दिल में। एक टूटली मड़ैया टूटली मड़ैया में कैसे रहूं पियावा, अरे पनिया चुरे जा चारू बदरिया रिम झिम रिम झिम और पड़ेला फुहार, बर से बदरिया रिम झिम रिम झिम और पड़ेला फुहार, करिया बदरावा में चमके बिजुरिया, करिया बदरावा में चमके मौसी। आपने रसूलन भाई का नाम सुना है? हाँ सुना है कि देखा भी है आंख से बेटा, मगर हम बहुत बच्चे थे उस वक्त, हम लोग भी तो वहीं रहते थे ना पहले, और वो आती थी कहीं बाल बच्चा होता था जलसा वलसा में तो कहीं से देखने का हमको मौका मिल जाता था, और ये सब बहुत खूबसूरत सेटिंग था उनका, बहुत अच्छा, और नाक बहुत खूबसूरत, नाक बहुत खूबसूरत थी। आपने उनकी एक ठुमरी सुनी है लगत सरिजुआ में चोट? हमने रिकॉर्ड से सुना हुआ बेटा। अच्छा इसकी एक और भी बंदिश है लगत जुबनवा में चोट, आपने वो कभी सुनी है? नहीं बेटा जुबनवा वाला हम नहीं सुने हैं। जिसमें फर्क क्या है? लगता करिजुआ में चोट वो अपना इजहार मोहब्बत का करती हैं, और लगत जुबनवा में चोट? अब जुबनवा में चोट का तो दूसरा मानी हो गया बेटा, जैसे कि भगवान को राधिका जी थी तो अब कोई कंकड़ उठा के से मारते थे तो कभी यहाँ लग जाए कभी यहाँ लग जाए कभी यहाँ लग जाए कभी यहाँ लग जाए, तो इस पर वो एक गाना बना के गाती थी बस, हमको तो ऐसा ही लग रहा बिटिया। मेरे पास जिगर मुरादाबादी और शकील बदायूनी, गालिब साहब, जो भी दीवान हैं सारे दीवान हमारे पास मिलेंगे आपको। हम खुद गज़ल के शौकीन हैं बिटिया। मेरी माँ हिंदी उर्दू अंग्रेज़ी फ़ारसी, उनकी चार जुबान थी बिटिया। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है। 11 साल 12 साल के जब हम हुए तो बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया, बाबूजी इंतकाल कर गए, तो फिर मेरी नानी कलकत्ते से आई, आके मेरी माँ को ले गई, तो वहाँ एक लड़की काम करती थी बानो, मूनलाइट में जाती थी, मेकअप बक्स ले के जाती थी। हम उससे बोले कि बानो तुम कहाँ जाती हो? बोले हम थिएटर कंपनी में काम करते हैं, मूनलाइट में हम जाते हैं। बोले बानो हमको भी ले चलो। उसके बाद छोटा मोटा पार्ट मुझे आँख के नशा में दिया मुझे, उसके बाद झांसी की रानी, भक्त पूरण, महाराणा प्रताप सिंह,
हिंदू कोर्ट बिल, एक महीने में एक खेप तैयार बनता था वहाँ पे, बनाते थे लोग। मिटे देश पर जो हंस हंस के उसी ने जीना सीखा है, मिटे देश पर जो हंस हंस के। एक बार हिंदू मुसलमान का राइट हुआ था बेटा, हम लोग कैसे कैसे करके फिर अपने गांव आए आजमगढ़। वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि दया की माँ बिहार बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत लगन होता है, लगन लगन समझती हो बेटिया, शादी ब्याह की लगन बेटा। एक बैग लाके मुझसे लगन करवाने लगी मेरी माँ, खेते खेते बैलगाड़ी पर, रिक्शे पर, मोटर पर, कहाँ पैदल नैया पर बैठा बैठा के जहाँ तहाँ अपना ले जाने लगी हमको माँ। मौसी, अगर आपके जीवन में संगीत ना होता तो फिर बर्तन चौका करते और क्या करते? बेटा देखो, कलाकार तो जल्दी शादी करता नहीं है, और जिसको कला से लगन हो जाएगी वो शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, कहीं का नहीं रहेगा, उसकी कला नष्ट हो जाएगी बेटा। मेरे आदमी जो थे दरभंगा के थे मेरे, जिसके बाल बच्चे समय, वो मुझे ले जाके दरभंगा में रख दिए बेटा, और मैं बीमार होने, दुबली होती गई, मैं बीमार हो गई। बाप रे बाप, मेरा गाना बजाना सब छूट गया। वो छोड़ दिया था अपने गाना। हाँ, तो कहाँ जाते गाने हम अकेले? हाँ। अकेले कहाँ जाते बिटिया? सारे दरभंगा के डॉक्टरों को दिखाया, पटना, यहाँ वहाँ, पूरे शरीर का कार्डियोग्राम हुआ, तब नस नस का फोटो खींचा गया कि नस में कोई बीमारी हो, कहीं कुछ नहीं। एक जगह एक आदमी बोला कि भाई देखिए, एक डॉक्टर हैं एलम चौधरी, बंगाली डॉक्टर, आप जाइए उनको दिखाइए। तो अब बहुत उम्र दराज हैं, वो गए, और गए तो बगल में कव्वाली हो रही थी बेटा। इतने में डॉक्टर साहब आए, ऐशो बोशो की हुआ है? हमारे डॉक्टर साहब हमको ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। तो देखिए डॉक्टर साहब ये, तो अपने नौकर को बुला के कहा कि ए सोई सुनो, ओके बोलो, ए माइक का मुख उधर करेगा। हमारे डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कीजिए, रहने दीजिए, उसका मुंह इधर ही रहने दीजिए, माइक का कहाँ है? तुमको गाना अच्छा लगता है? हम बोले हाँ डॉक्टर साहब, हमको गाना बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत गाना पसंद करते हैं। तुम गाता है? बंगाली डॉक्टर से तुम गाता है? बोले हाँ डॉक्टर साहब। कहे ओ बाबा, जाओ जाओ जाओ, गाना छोड़ दिया है? हम बोले हाँ डॉक्टर साहब, हम नहीं गाता है। बोले जाओ गाओ, तुमको कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तब वहाँ से फिर आए यहाँ माँ के पास, हमने कहा माँ अब मैं गाऊँगी। मैं समझती हूँ बिहार का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। आज के डेट में भी अगर यहाँ से कोई लड़की जाती है तो वो पूछते हैं, अरे रानी को जानते हो? हमारे गांव में आई थी, बहुत बढ़िया नाचती है, बहुत बढ़िया गाती है, वो तो इतना जमाई कि तुम लोग क्या नाचोगी गाओगी। वैसे गाने वालियों को संगदिल भी कहा जाता है,
अगर उनका मतलब पूरा नहीं हुआ तो संग दिल हो गए, और अगर उनका मतलब पूरा हो गया तो फराक दिल हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि एक अपने को क्या कहते हैं किसी स्टेट के वो कुंवर कहते थे, तो एक हमारे यहाँ बिलासपुर स्टेट है तो उसके एक कुंवर थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि रानी मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ ताल्लुकात बनाना। तो मैंने कहा कि ठीक है आइएगा फिर कभी। खैर देखिए मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रही हूँ, हाँ तो मैंने कहा अच्छा फिर आइएगा कभी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, गाना वाना सुने चले गए, फिर आए। तो पहले तो हम लोग सालों हाथ नहीं लगने देते थे किसी को, आइए जाइए आपका घर है और देख लें कि आप कितने पानी में हैं। उसके बाद ही मतलब गार्जियन के तरफ से भी होता था कि ठीक है भाई, और आदमी अच्छा है, इज्जत करने वाला है, पैसे देने वाला है तो और निभाने वाला है, तो चलो भाई औरत और मर्द एक तो ये तो मतलब नेचुरल चीज़ है ना, इससे तो किसी को छुटकारा है नहीं। बाप रे सारी बात हमने आपको बता दी सभा बहन। तो वो आए तो फिर दोबारा तिबारा अब वो बौखलाने लगे कि भाई तो बराबर ये टालती रहती हैं। तो इस बार जो आए तो अपने साथ एक दादा को लेके आए और उन्होंने एकदम चक्कू निकाला और मेरे यहाँ पे लगा दिया उन्होंने। हमने कहा इसको दिखा करके अगर आप चाहोगे कुछ तब तो और भी नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो दिल की चीज़ है, अगर दिल मानेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और अगर दिल नहीं मानेगा तो जबरन ये चीज़ नहीं होती है। दूसरों का दिल तोड़ने में ज़्यादा आसानी है। तो बहुत से लोग चिढ़ के कहते भी हैं कि हम लोगों के साथ जो तुम लोगों ने किया है ना इसी वजह से तो तुम लोगों को भी उसकी सज़ा मिल रही है, हम लोगों को बहुत सताया। आपने सताया? सताया नहीं तो चक्कू कैसे लगा दिया। ऐसा है कि मतलब बहुत से लोग उम्मीद लेकर के आते हैं या चाहते हैं, लेकिन सबकी उम्मीदें तो पूरी होती नहीं हैं, और पूरा करने के लिए हम बाध्य भी नहीं हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें और उनकी उम्मीद पूरी करें। कोई शादी तो है नहीं, कोई बंदिश तो है नहीं कि मर्जी ना मर्जी आपको निभाना ही है। हमने उनके सामने पहले तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया, और कहा हो चाहे तो मुराजिया ले ले संवरिया, चाहे तो मुराजिया ले ले फेर के नैना ना जा ना जा मैं वारी रसिया, हो चाहे तो मोरा जिया ले ले सांवरिया, चाहे तो मोरा जिया ले ले। बहुत खूब। इस वक्त कितनी लड़कियां यहाँ पर होंगी जो गा बजा सकती हैं या जाती हैं? अभी तो करीब 50-60 है, संख्या कमी होती जा रही है। ना ना कहीं कोई कमी नहीं हो रही है, संख्या कम नहीं हो रही है, संख्या बढ़ गई है बल्कि, हाँ डाइवर्ट हो गया है भला, मतलब जैसे कुछ लोग इस माहौल में गा रही बजा रही हैं, कुछ ऑर्केस्ट्रा में जा रही हैं, कुछ क्या कहते हैं वो ये ड्रामा वगैरह जो होता है उसमें जा रही हैं, कुछ बम्बई चली गई तो वहाँ जा कर के अपने बियर बार वगैरह में डांस कर रही हैं, तो संख्या कम नहीं हुई है। पानी लेन रहे पानी।
पानी कंटिन्यू मिलता रहेगा तो आप कौन तकलीफ होगा, कोई बात ही नहीं। नहीं, जब नहीं रहेगा तो पानी मिलेगा, कपड़ा धोने के लिए कोई बैठ जाएगा, नहाने के लिए तो फिर दूसरे को नहीं मिलेगा पानी, जब दूसरे को नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा। कोई बात है, इन्हीं से कहा जाएगा, और तो कोई से कहा ना जाएगा। लगवा देंगे ना, अपना ही काम करना तो हमारा काम है, लगा हम स्लैब भी रखवा देंगे। हाँ। और जो भी मेरे वार्ड में कमी है हम सब पूरा करेंगे। हम चाहे अगर आपकी जिंदगी में डांस ना होता, संगीत ना होता, डांस ना होता, तो हाउस वाइफ होती मैं। आज जो कुछ मेरे पास है वो उस वक्त नहीं होता। आज मैं अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से, मैं डांसर रही, मैं सिंगर रही, मैं फिल्म में, मैंने फिल्म में भी डांस किया है, मैंने स्टेज भी प्ले किया है, और मैंने टीवी पे अनाउंसमेंट का भी काम किया है। हाँ जी हाँ, मैंने बहुत कुछ किया है। और ये सब करते करते फिर मैं सामाजिक काम से भी जुड़ गई, और आज मैं पार्षद भी हूँ। तो अगर मैं हाउस वाइफ होती तो ये सब नहीं होती, इसलिए ज़रा सा लगा कि कुछ छूट जाता है मेरा। पिछली ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो बदलना चाहती हैं आप? तो पीछे जो छूट गया उसको कैसे हम बदल लेंगे या कुछ कर लेंगे, उसमें कैसे हो सकेगा? आप बताइए पीछे कैसे चेंज कर लेंगे? जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है, इसका एक एक लफ्ज। चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया, ना मैं गोरी ना मैं काली, ना सांवला रंग है नजर भर के देख लो, चलती बेरिया, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया। जैसे ये गाना है तो बहुत सारे लोग आशिक भी हो जाते होंगे। सच सच बताइए आप। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आशिक नहीं होते थे लोग। इनके चलते बोली चल गई हमका लोग, तो वो को मालूम था कि ये अपने कार से जाती है, अपने कार से आती है, देखेंगे कैसे जाएगी। वो कहे वाह हमारे क्या महफिल में आया, मजा आ रहा कि बोल तो गए। अब सामने बराती बराती में लड़की वाले से लड़के वाले से बोली। अब्बा जो बता रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ा लॉन था, बहुत बड़ा, और हर एक पेड़ पे 10-10, 15-15 लोग बैठे थे, जैसे बंदर के तरीके से बैठे। और ऊपर ही से वो जैसे रुपया, अल्लाह जाने वो पत्ते में बांधे थे सब, क्या इस तरीके का था कि जब भी हम गावे तो इसी से हिलाए सब, कि नोट हमारे ऊपर से गिरे। खैर वो वक्त गया, वो बात गई, उस बात को अब दोहराना क्या। बड़ी इज्जत की नज़र से देखते थे, ये बात नहीं है भाई। वो गांव है तो गांव में 10 कदम के तो लोग आते ही पतरिया है। अरे नैनी मत कहो, एक आदमी दूसरे आदमी कह रहा है ताइफा है, ताइफा है। अरे ऐसा मत कहो, पापा आप मुझे जो बच्चे हैं कि पापा के बारे में बता रहे हैं। वो राजपूत थे और एक कंसर्ट के लिए मेरे घर आए थे कि भाई, जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा ये सब होता है। बिहार के थे? हाँ वो बिहार के थे। तो बोले कि आपको चलना है, ऐसे मिलते जुलते थोड़ा उनसे। तो उनके घर में भी एक बेटा था मुझसे, हाँ पहले से शादीशुदा थे वो, बहुत बहुत हमको मानते थे।
तो उसके बाद उनके मरने के बाद तो हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद उनका परिवार ने साथ नहीं दिया। उसके बाद बहुत उधेर फुधेर मेरी ज़िंदगी हो गई, बहुत उधेर फुधेर। उसी समय पांडे जी आए, बोले कि सायरा जी आप मेरा एक प्रोग्राम कर दीजिए। फिर आना जाना चालू हो गया, तो मरता क्या न करता, फिर उनसे हमारा संबंध हुआ। पांडे साहब तो कहते थे कि तुम गाना जब गाती हो तो हर लोग ये सोचते हैं कि तुम मेरे लिए गाती हो, जितने सुनने वाले बैठते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि सायरा गाना सिर्फ मेरे लिए गा रही, मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए गा रही, तो क्योंकि तुम्हारे गाने का स्टाइल इस तरीके का है। हम कि भाई मैं सोच कर ये नहीं गाती हूँ कि मैं एक के लिए गाना गाती हूँ, मैं तो गाना गाती हूँ तो सबके लिए गाती हूँ। ऐसा लगता था। और ये अपने में एक कला भी, हाँ कला लगे हमारे लिए। आज भी ऐसा होता है कि वो फ्रेंचिस्का को मैं गवाती थी जब, तो कुछ हाव भाव ऐसे बताती थी, वो बोली कि मैं कुछ इस तरीके से दीदी चाहती हूँ कि आपका एक्शन भी मेरे साथ रहे, तो मैं तो उसको कुछ ऐसे बताऊँ तो कि वो अपने आप शर्माती थी कि दीदी आप ऐसा गाती हैं जैसे लगता है कि आप कुछ कह रही हैं। हम कि भाई मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ गाना गा रही हूँ। ये भी हमारे साथ में थे इलाहाबाद में जब उनके साथ बजाया है रेडियो स्टेशन पर। ये तो उनका बहुत खास एक चीज थी। दूसरा मुखड़ा भी तो होता था ना, लगन चौबनवा में छोड़ा, जो उन्होंने बदल दिया। वो बदल दिया, ये क्या लोगों ने इतराज किया था उसकी वजह से बदला या अपनी वजह से? उन्होंने खुद अपनी वजह से बदल दिया।
लेकिन आपके सामने उन्होंने कभी वो दूसरा मुखड़े से कभी गाया थे ये नहीं, वो नहीं उनके समझ में आया कि हटाओ ये बोल। हिंदुस्तान का जितना रेडियो स्टेशन है कई कई सभी जगह गए हैं। आप बता रहे थे ना कि एक तरह से आप उनके गुरु भाई हुए। हाँ, किस तरह आप से वो क्या रिश्ता है जरा बताएं। हमारे वाली साहब शम्मू खान साहब की शागिर्द थी। पूरा स्टाफ डरता था हमसे। अच्छा, देखिए वो आए मुझे पूछिए, पूरा स्टाफ दिल्ली हो पूरा हिंदुस्तान का रेडियो की बात कर रहे हैं, सब डरते थे। सब माता जी कहते थे चाहे HD हो चाहे PhD हो चाहे कोई भी हो खड़े रहें, जब वो आ जाए तो खड़े रहे। ये रसूलन भाई ये ऐसे एक सादा कपड़ा पहनते थे। मुझे अनाज तो करना नहीं था इसलिए अब ये सादे कपड़े में आ गए। तो ये नाच मुजरा उन्होंने कब बंद किया? 47 से 48। हाँ 48 से बंद किया। 48 में? 48 से हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना है तब नाच मुजरा वहाँ का बंद कर दिया, फिर अब गली में ही आ गई अपना। ये एक ही लड़का था उनका वजीर से, उसको लोग पुकारते थे। क्या करते थे वजीर? बस अपने घर में थे, करेंगे क्या भाई, उनके बाल बच्चे हैं, खाते थे बैठ के खाते थे बस। बच्चे पे बच्चे अपना हो रहा था। ऐसा भी सुनने को आया है कि रसूलन भाई को उन्हें लगता था कि बनारस में उनकी इतनी इज्जत नहीं थी जितना जैसे सिद्धेश्वरी देवी को मिली, क्या कभी उन्होंने ऐसा कुछ जाहिर किया? कभी नहीं, जब यहाँ गली में आ गई तब से उनको फिक्र नहीं थी। बनारस में कहीं गाना बजाना जान करने ही नहीं चाहती थी, खुद नहीं करना चाहती। हाँ खुद नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों? बस यहाँ नहीं करेंगे, अपना अपना शहर है ये, बाहर जाके अपना गाती बजाती और बाहर में इज्जत भी थी। तो यहाँ क्यों नहीं करना चाहती? यहाँ पर्दे में बैठ गई थी ना, यहाँ सामने नहीं आना चाहती थी महफिल में। जब वहाँ से हट के पर्दे में आ गई तो खुलेआम कोई क्या जाता सुन नहीं सके, जब तक दाल मंडी थी तब तक। और जब निकाह कर लिया बैठ गए तब बाहर, और बाहर भी आती थी कॉन्फ्रेंस रेडियो प्रोग्राम के चले हैं अपने घर, ये चीज़। तो निकाह कैसे किया? सुलेमान सुलेमान करके एक तो थे यहाँ मदनपुरे में, उन्हीं से निकाह किया। भाई गाने के शौकीन तो हैं वो तो आ ही। हाँ इसमें कोई शक नहीं, सुलेमान ना है खुद भी देखो अपने यहाँ गवैयों को रखता रखता था, कैसे कैसे गवैये उसके यहाँ आते थे और खूब गाना बजाना हो, बहुत शौकीन था गाने बजाने का सुलेमान। सुलेमान क्या करते थे? 82 साड़ी का काम था। तो बहुत अरसे से जानते होंगे? हाँ बहुत अरसे से जानते, ये लोग फिर यहाँ चले गए पाकिस्तान सुलेमान वगैरह। ये नहीं गई? हाँ ये नहीं गई, ये चली गई। वो लोग जब पहले चले गए पाकिस्तान तब ये गई यहाँ अहमदाबाद, और अहमदाबाद में जब वहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ चली आई दिल्ली, उसके बाद वो इलाहाबाद चली आई, और इलाहाबाद आने के बाद उनका इंतकाल हो गया। Why did Rasoolan change her song and never sing again the Jubanwa version of the Thumri? You say that though Rasoolan appears to have made an intentional change in her song, her decision probably defies any attempt to explain it in terms of a clear set of causes. Probably. But for every song to survive, there needs to be a singer. The way I see it, both the singer and the song over the span of a half century
had got transformed, as had the city that was once home to both. Its music salons now temples, reverberating with a new mantra that promised to liberate and redeem. Chahu jisko nij kalyan, to sab mili Bharat santan, japau nirantar ek zaban, Hindi, Hindu, Hindustan. ये देखिए, इसको भी आप ले, भारत हिंदू, भारत के हिंदू, वो आज की जो हिंदी है जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, वो भारत हिंदू जी की, देखे हो, हिंदी साहित्य के जन्मदाता के रूप में कहे जाते हैं। और ये पूरे जितने भी गुजराती हुए, मराठी हुए, कर्नाटकी हुए, तेलुगु, सारे जो प्रदेश के लोग उनकी तरफ, सब लोग भारत की सच्ची भाषा दिखलाने वाले यह किरण आर्य भूमि पर ही नहीं किंतु सारे संसार पर इसी प्रकार चमकते रहे। यह आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे उम्र में, 1850 में उनके से लेकर के 1885 वो कवि थे, वो लेखक थे, गद्य लेखक थे, वो नाटककार थे, उसके बाद पत्रकार थे, उसके बाद समाज सुधारक भी थे वो। ये है माधवी तवायफ, प्रेसी या उनके जो आप कह सकते हैं, एक पत्रिका वो निकालते थे बालाबोधनी। ये नारियों के एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के को में प्रचार प्रसार बढ़े, ये उसका पहला अंक बालाबोधनी का। मेरी प्यारी बहनों, मैं एक तुम्हारी नई बहन बालाबोधनी आज तुम लोगों से मिलने आई हूँ। मतलब उस रूप में इन्होंने लिखा है, मैं उस सबसे बड़े परमेश्वर से नित्य यही मनाऊंगी कि मेरे हिंदुस्तान की सारी स्त्रियां लिख पढ़कर पुरुषों की समभागनी हो जाएं। ये उद्देश्य था, जो भविष्य के कर्णधार उनको जन्म देने वाली नारियां हैं वो भी उतनी ही पढ़ी लिखी पुरुष के संभागी होनी चाहिए, तभी तो उनको हम आने वाले पीढ़ियों को सुधार सकते हैं। सीता अनुसूया सती अरुंधति अनुहारी शील लाज विद्यादि गुण लहो सकल जगनारी। Do you remember that evening when you had asked me about the women in my family? Proud to have a story worth telling, I had talked about Sita, my mother's mother. A freedom fighter and a trade unionist, loving mother to five children, and a thrifty homemaker. Sita, when she died in 1974, was Mataji, respected mother to all in her town. Why are some women chosen to become mothers to many and not others, you had asked? Is there a price that they have to pay in return? Your questions had made me think some more. Someone once said that memory contains the map of identity. In this marble temple, the fractured memory of Sita gets subsumed in the sun-bearing, nurturing and virtuous body of Bharat Mata, Mother India, the Hindu mother of Hindu sons. She is Sanskrit and she is Hindi. She is the source, chaste and pure.
Erased from her body are all markers of desire, passion and longing that as a mortal woman, Sita must have felt. Covered over are the wounds inflicted upon her for being born woman in an upper caste Hindu family. Turning to you, I had asked curiously about your grandmother. You had replied, "My grandmother was also called Mataji by some, and yet she would find no place in this great temple." That same evening, I had talked about my grandmother's struggles to attend high school, the first for any girl in her family. The main hurdle was that the road to school led through the Tawaif's quarters. Interrupting me with a sudden, bitter tone in your voice, you had said, "How could the daughter of a respectable Hindu family be allowed to walk through an area where women wallowed in depravity, obscenity and disease?" Always on the margins of respectable society, the Tawaif, now seen through the filters of Victorian morality, becomes a prostitute, bearer of everything foreign, including the Urdu language. The regeneration of Hindu society demanded that the Tawaif be removed physically from the proximity of respectable areas and culturally from music itself. से बहुत एक अच्छे नवाब साहब थे, वहाँ प्रोग्राम हो रहा था हमारा, देखते क्या है कि एक जनाब प्यारे लाल डाकू साहब एक आए रहे। अब वो एक दफ़ा उन लोगों को राइफल दिखलाई, आप लोग तशरीफ ले जाइए, हम सब चले गए। और वो सब चले गए, जाने के बाद में अब जनाब वो जो आए हुए थे डाकू साहब, वो उन्होंने कहा भाई ऐसी चीज़ गाइए कि जो हम समझ लें। हमने सबा दिमाग साहबा, हमने अल्लाह जाने कौन कौन चीज़ें शुरू की, गज़ल भी, दादरा भी, सब भी, मगर वो शख्स के
कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बहुत परेशान तबीयत के ला, आज तो बहुत गड़बड़ रखा हुआ है हमारे लिए, पता नहीं ये कौन शख्स। बहरहाल सुनाते सुनाते हमने इनसे कहा कि देखिए बहुत कायदे में, बहुत तेज़ी में, कोई दकीक़ा ना बाकी रखिएगा। चुपके से हमने इनसे कहा कि मैं शुरू होती हूँ, वैसे ही आप बजाइएगा। तो मैंने क्या शुरू किया, हाय नज़र लागी राजा तोरे बंगले पर, हाय नज़र लागी राजा तोरे बंगले पर। जब ये शुरू किया है तो उसने अपना बैग निकाला, बैग निकाल करके वो सब रुपया बिखराने लगा। नज़र लागी राजा तोरे बंगले पर, नज़र लागी राजा तोरे बंगले। तो ये हम आपको शुरू करते हैं। हमारे ख़ानदान में औरतें गाती नहीं थी, हमारे कुदरती मोहब्बत थी संगीत से। एक आदमी से हमने छोटा से बाजा ख़रीदा 5 रुपए का। उस वक्त तो 5 रुपए का बाजा, ये हारमोनियम बाजा छोटा से था। वो हमारे वालिद पास आया कि इसको रख ले लीजिए, हमको ज़रूरत है चंद पैसों की। तो वो रुपए हमने दिए चुपके से निकाल के, और वो बाजा कोठे पे हमने रख दिया, और उसमें 2-3 लिहाफ डाले हुए उसी में बजाए रहे हैं, सारे गामा उसी में बजा रहे हैं। बजाते बजाते सब और लोगों से भी सीखें, क्योंकि हमारे ख़ानदान में जो बेहतर से बेहतर गाते थे, अब वो गाते थे तो हम कोले से दीवार पे लिख दिया कि ये गाया है और ये राग है, और आटा गूंद हैं। उसके बाद में चुपके बाहर निकल गए, उसको गुनगुनाए रहे हैं। इसी तरीके से आप हमको ज़रा से बाजा बता दीजिए, आप हमको सारे गामा बता दीजिए। होते होते जब हमारे वालिद ने देखा तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया। तो बहनें हमारी कहें कि तुझे क्या हो गया है, तेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता है, ना सिलाई में दिल लगता है, तू करेगी क्या। हमने कहा हम ये करेंगे कि हम रेडियो प्रोग्राम करेंगे, हमारी गुजर बसर वही होगी। और हमारी माँ जो थी, माँ से कहते थे आप हमारी शादी वादी ना कहीं कीजिएगा, हम शादी के काबिल नहीं हैं। हमने कहा हम शादी के काबिल यूँ नहीं, हमारा दिल और दिमाग नहीं दुरुस्त है। हर वक्त गालिब के गज़ल में कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, आगे आती थी आले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अल्लाह पाक ये कैसा तुमने पैदा किया। Hey.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صلوات اللہ و صلوات الملائکۃ الانبیاء رسول جمیع خلق علی محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ محمد اللہم صلی اللہ یا ذل جلال و اکرام یا ذل جلال و اکرام کل رسول زای خطر مات کل رسول زای خطر مات ایک دات جان بات جس تو زمن تشاو تو ذل من تشاو میرے مالک ما زندگی کا مالک تو ہے اللہ پاک تو رحم کر دے مدد کے ساتھ ساتھ You tell me a story of a time and place far away where a mission was launched to rescue music from the baneful influence of Muslim musicians and tawaifs. The respectable men of the town began a very successful campaign to put a stop to the practice of inviting courtesans on festive and other occasions to perform in Hindu homes. From the uncharacteristic sharpness of your tone, I have a sense that there is more to this tale than what you have just shared. But I am almost hesitant to ask. The history that has made me the woman I am stands confronted by the histories that you relentlessly unravel now. श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ये दोनों ही सज्जन काशी में पधारे और ये सन 1905 के आसपास की बात है। उन्होंने यहाँ महाराज श्री जीवनलाल जी महाराज श्री से बात की और उनसे निवेदन किया कि काशी संगीत का बहुत बड़ा गढ़ है, तो यहाँ पर एक संगीत की संस्था होनी चाहिए जो यहाँ की कला का और कलाकारों का प्रतिनिधित्व करे। तो श्री जीवनलाल जी महाराज श्री ने सन 1906 में एक बैठक बुलाई अपने गोपाल मंदिर में और उसमें काशी के राजे रजवाड़े जर जमींदार सब लोग बुलाए गए। एक शुभ दिन सोचा गया संस्था के स्थापन का, चैत्र शुक्र प्रतिपदा संबत 1963 विक्रमी सन 1906 ईस्वी। और हमारे यहाँ जो कलाकार आए, हम कुछ उसमें से आपको नाम बता रहे हैं। सबसे पहला नाम हमारे यहाँ लिखा हुआ है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का, मुकुंद राव जी कालविंट का, मार्तंड राव जी गोपाल जी भट्ट, रामचंद्र भट्ट, हरिशंकर जी मिश्र, रामचंद्र जी बुबा,
विनायक नारायण राव जी पटवर्धन, दिलीप चंद्र बेदी कश्मीर, श्री राम कृष्ण जी फिरोजपुर वाले, राम प्रसाद जी मिश्र, राम सेवक जी, मनमोहन घोष, गोपाल भट्ट जयपुर के गायक, शंभू जी लखनऊ वाले, महादेव जी, त्रिवेणी माधव जी लांडे भैया जी, बलदेव जी, श्री प्राण कृष्ण चटर्जी पानू बाबू, शिव प्रसाद जी गायनाचार, चंदन चौबे मथुरा, गोपाल बाबू कलकत्ता, गोविंद जी कंठाले, श्री धीरेन्द्र नाथ जी भट्टाचार्य कलकत्ता, अनाथ बोस कलकत्ते वाले, रस के तोर सुलन भाई के बारे में क्या बता सकते हैं? सही कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो बताइए। नहीं, हम लोग अपने बचपन में रेडियो से कभी कभी गाना सुनते थे, अच्छा लगता था। बनारस की ठुमरी थी। अच्छा, तो लोग बताते चामामे की ठुमरी है। चामामा तो वो जगह का नाम है जहाँ हम रहते थे उनके उस्ताद। नहीं, बनारस में भी दो अंग बताते थे, चामामे की अंग और बनारसी अंग। अच्छा, दो तरीके की ठुमरी होती थी, तो चा महमे की ठुमरी अलग मानी जाती थी। अच्छा, जिसको गाती थी वो। अच्छा। और काफ़ी प्रसिद्धि थी उनकी, उनका नाम था, उनकी आवाज़ भी भारी थोड़ी थी। हम लोग, अब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा। उसके बाद उनके गुजरने के बाद तो फिर शायद रेडियो वाले भी भूल गए कि उनकी कभी ठुमरी बजाए। सवदिया
कैसी हैं आज? बहुत सुंदर. क्या बात. बहुत सुंदर. फ्रांचिस्का, आपके बारे में मुझे सायरा ने इतना कुछ बताया. कैन आई टॉक इन इंग्लिश? इन एनी लैंग्वेज यू फील. Actually, I had the training in Drupad for many years with Ustad Rahim Fahimuddin Dagar. And somehow, after a few years, I, as a woman, I started to feel like I would develop my feminine part as a musician. And so I started to ask myself, how should I sing, for example, Indian music as a woman with a feminine feeling? If I think about the history of Hindustani music, we don't find any name of a woman. We don't find a woman who is a guru. So I was wondering, where is the place for women in Hindustani music? Some musician told me about Sairaji, and I was amazed by her huge repertoire and by her voice. So I felt beyond that she was very shy. She wouldn't sing. At that moment when I met her, she was not singing any longer. And that was very interesting, but very painful for her, because she decided to renounce to this part of her life. Francesca ke aane ke baad kuch mujhe sahas hua कि नहीं, मुझे गाना चाहिए. और फ्रांसिस्का ने क्या कहा था? क्या बोली? दीदी आप गाइए. मैं गाती थी, मगर बनारस में मैं एकदम नहीं, गाना भी नहीं चाहती थी. शायद इनको मैं बताई भी थी एक बार कि मैं बनारस में कोई कॉन्सर्ट नहीं करना चाहती. Her first reaction when you had fixed up a concert for her, you had told me yesterday. Not very enthusiastic. I did a lot of efforts. I also arranged for her television program, broadcast, and then we decided to try with a live concert. Concert ka ye alam tha ki ye kisi ne nahi kaha ki mujhe time nahi hai. Ek ke baad ek farmaish. कुछ ना कुछ होता ही है. मुझे अपने ही बंद करना पड़ा. मैं बोली कि मैं बस. वी हैड टू फेस ऑल्सो द अदर फेस ऑफ द सोसाइटी विच डिडंट. इट्स डिफिकल्ट टू से बट डिडंट अप्रिसिएट वेरी मच दीदी'स बैकग्राउंड. I brought Sairaji to the Varanasi Doordarshan. We recorded only one program, and then the director said no. No, we don't want this. And so he called Sairaji in the office and started to do a very bad exam on music and on many subjects. I was there and was very humiliating, I would say, and then we left. ऐसा होता है. मेरे साथ हुआ है. मैं एक बार बहुत बड़े कंसर्ट में गई थी बिहार. तो वहाँ पे जैसे किशन महाराज थे, गुदय महाराज थे, बिस्मिल्ला खान साहब थे, मैं तो कुछ भी नहीं थी. मैं सिर्फ फोक गाने के लिए गई थी. तो वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिसका मैं नाम नहीं बताऊँगी. उन्होंने मेरे तरफ ऐसे इशारा करके कहा कि ये क्या बेचेंगी, ये क्या बेचेंगी, ये किस लिए इतने बड़े लोगों के बीच में ये आई हैं, ये क्या बेचने के लिए आई. मैं सुन रहे थे. फिर अल्लाह का करम ऐसा रहा कि मुझे दो बार स्टेज पे बुलाया गया. तो यही किशन महाराज मुझे याद है, जिसने मुझे आवाज़ दी थी उनसे बोले कि
जैसे बनारसी भाषा में देखला का बेचनी, तो ये तो अल्लाह की देन है, बड़ों का दुआ है, होता है, मेरे साथ हुआ है। ये है क्या चीज, मतलब तुम्हारा काम है क्या इसमें? ये साड़ी है, इस पे पूरा वर्क किया हुआ है, तो हम लोगों को बस इसके साइड में लेस लगाना रहता है, इसमें इतना ही काम होता है। तो इसका तुम्हें कितना मिलता है? इसका हम लोगों को 1 रुपया देती हैं। रूपा तुम पढ़ी कहाँ तक हो? जी हम BA फाइनल किए। जो मम्मी का है संगीत वो नहीं सीखा तुमने? नहीं। क्यों? इंटरेस्ट नहीं था। कभी कुछ सीखने की कोशिश भी की? संगीत के मैंने इंटरेस्ट क्यों नहीं था? मम्मी का गाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, मम्मी का गाना सुनते हैं हम लोग तो एकदम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। श्याम सुंदर बनवारी यू टॉक अबाउट योर ग्रैंड मदर द वंस पावरफुल चौधराइन और लीडर of the now beleaguered Tawaif community in Banaras. Attracted by Gandhi's inclusive call to Hindus and Muslims, men and women, to join the national movement, she had organized a very unusual meeting of courtesans in 1921. Presided by a framed photograph of Gandhi, the meeting passed a resolution to weed out obscenity in music and to promote national by singing patriotic songs at all occasions. The irony of this meeting is not lost to you. You are aware of Gandhi's outburst against what he termed the obscene manifesto of a group of Tawaifs in Barisal. Their crime? They had organized to help the poor, nurse the sick, and support the cause of Gandhi's Satyagraha. Gandhi declined to recognize them as Congress workers or even accept their donations unless they gave up their unworthy profession, which made them worse than thieves. While thieves merely stole material possessions, these women stole virtue. Worse, however, was yet to come. Barred from performing on the radio till Nehru intervened, many Tawaifs, like your grandmother, immersed their musical instruments into the Ganga and stopped singing altogether. Others got married in a desperate bid for social acceptance.
अंतिम पंक्ति पर थोड़ा और ध्यान देना होगा, इसे फिर से कर लीजिए। जय हे जय हे And so, as a nation marched towards freedom, a group of women whose private lives became public scandal fell off the map. You tell me about the day your grandmother was summoned to the local police station when a zealous young Indian state decided to suppress immoral trafficking by cleansing entire localities of their original inhabitants, prostitutes and tawaifs. That day, your grandmother decided to leave forever the city that had been home. तो ये तो यहाँ तो करीब करीब भुला दी गई थी 50s में। तो अहमदाबाद के लोग इसके बड़े समझदार हैं, उन्होंने बुलाया और उन्होंने बड़े आदर से उनके साथ रखा और कुछ सीखते भी थे लोग। जब वहाँ अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम रायट हुआ तो इनकी सब संपत्ति लूट गई, तो ये डिस्ट्यूट होके और कैसे ये पहुँची इलाहाबाद ये तो नहीं मालूम, लेकिन इलाहाबाद में जो रेडियो स्टेशन को रास्ता जाता था उसी में एक छोटी सी गुमटी लगा करके छोटी छोटी चीज़ें बेचा करते थे, दो दो चार चार आने वाली। तो वहाँ लोगों को पता लगा तो उन्होंने इनको एक आध प्रोग्राम दिए। तो कह रहे थे कि वो लाठी टेकती टेकती आती थी, पैर उनका कुछ गड़बड़ रहा होगा। तो वो जो एंट्रेंस हॉल था उसमें बड़े बड़े सब पोर्ट्रेट्स लगे थे तो गाने बजाने वालों के, तो अमुक देवी पहले बाई कहलाते थे फिर देवी हो गए, और इनका भी लगा था तो इनका रसूलन बाई लिखा था। तो उस पर उन्होंने कहा कि अरे ये यहाँ की भाषा में, अरे ये सब देवी हो गई, हम ही एक ठे बाई रह गई। बरस हुआ 200 बरस हुआ छोड़ दिया सब का, बेसी हो गया 30 बरस पहले क्या था आज क्या है सब खत्म। हम तो गलिया नहीं करते हैं। आप भी भभुआ में रहते हैं? हाँ हम भी भभुआ ही में रहते हैं। भभुआ माना हुआ जगह है, आप सोचिए जरा सा, वहाँ सब गायिका ही रहती थी पहले से लेके अभी तक सब नामी है। लेकिन आपके पूरे परिवार में आप कोई लड़की गाती नहीं है? न आपा के अलावा, आपा के बाद तो कोई नहीं करता? कोई नहीं। अब इससे नफरत भी तो हो गया, सबको नफरत हो गया, इसलिए जो है अब शादी करो शादी करो शादी करो। बिसरई हो न बालम बिसरई हो न बालम हमार सुधिया, हमारे सुधिया हो हमारे सुधिया, बिसरई हो न बालम हमार सुधिया, एक महल दूरी रहिया हो बा
एक महल दुई रहिया हो बालम, ये मेरा है। और खाला की यह है, एक महल दुई रनिया हो बालम, कवन रनिया तू सोईबा हो बालम। हमारा कहना है कि कवन रनिया तू जईबा हो बालम। थोड़ा उनका शब्द उपेन है, मतलब दोनों का एक ही है। और भी कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बदल दिए थोड़े से ऐसे ही शब्द? शायद बदले हैं हम, जैसे जैसे हम एक भोजपुरी पहले गाते थे तो हमको बहुत अटपट लगे, क्या कहें इस गाने में हमको अच्छा नहीं लगता। जैसे उसका है, ए सुगना तोरी लाल ठोर तोरी पियर ठोर तोरे मुँह में अमृत घरिया, मैं पूछूं रे हाथ जोड़ के कबले मिली समरिया। तो उसमें ये बोल है कि सुगना ठोरावा से खोले चोली बंदवाना। ये ओरिजिनल था कि सुगना ठोरावा से खोले चोली बंदवाना। तो हमको गाने में बहुत, हालांकि इसका शब्द बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसको गाना चाहती थी, तो इसलिए हम बने बोले कि ए सुगना तोरी लाल ठोर तोरी पियरी ठोर तोरे मुँह में अमृत घरिया, मैं पूछूं रे हाथ जोड़ के कबले मिली समरिया, सुगना ठोरावा से खोले ला घूंघाटवाना। इसको बस थोड़ा सा तब्दीली। एक महल दुई रनिया हो बालम, ते बनावा कवन रनिया, ओ कवन रनिया, ओ कवन रनिया, तू सोईब हो बालम कवन रनिया, तू जईब बालम
Sawadiya, sawadiya.